ओम शांति। 27 सितंबर 2022। परमात्मा शिक्षाएं। बाबा हम बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे, एकाग्रता में सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, दूसरों को लेकर तो जागना आसान होता है, जगना तो अपने लिए मुश्किल है। किसी में गलतियां निकालनी तो आसान होती हैं, अपनी गलतियां सुननी मुश्किल है। और जो सुन लेता है तो वो उससे मुक्त भी हो जाता है, वह फिर अपने में सुधार ला पाता है, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है हमारे भाव और भावना पर। मूल्य तो केवल इस बात का है कि हम कितने जागरूक हैं अपने आप को लेकर। बाबा कहते हैं, जब कोई भी कर्म डिटैच होकर करते हैं तो थकावट नहीं होती, और जब अटैच हो जाते हैं, मैं और मेरेपन में आ जाते हैं, तो उसमें फंस जाते हैं और फिर ही हमें थकावट होती है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा की समझाने को हम अपने अंदर दिल तक धारण करें कि अगर कोई भी बात आती है तो मुझे अंदर जाना, अपने भीतर देखना है। मुझे परिस्थिति नहीं देखनी, अपनी पावर को देखना है कि मैं क्यों हिल रहा हूँ। और जितना गहराई तक हम अपने अंदर इस बात को समा लेते हैं, उतना ही हम समझ पाते हैं कि अगर कुछ भी बात आने पर मैं मन से हिलता हूँ, विचलित होता हूँ, तो इसका मतलब है मैं ही कमज़ोर हूँ और मुझे खुद को ही ठीक करना है। मुझे बाहर नहीं देखना किसी भी व्यक्ति या फिर परिस्थिति को ठीक होने के लिए, दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं देना। तो जितनी ये बात मेरे अंदर दिल तक पक्की हो जाएगी, उतना ही मैं आत्मा पावरफुल बनती जाऊँगी। बाबा कहते हैं, अमृत का काम होता है शुद्ध करना। ज्ञान भी अमृत ही है जो कि आत्मा को पावन बनाता है। अगर वह दिल में समा जाए तो ज्ञान मन की मैल को धो आत्मा को शुद्ध बनाता है। हर आत्मा इस समय अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है और साथ में हम बच्चे भी। इसलिए स्वयं के साथ साथ हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखो, अर्थात स्वर समर्पण हो जाओ। बाबा कहते हैं, जहाँ शांति है वहाँ संतुष्टता है, सहनशीलता है, मधुरता है, अचल स्थिति है, अर्थात सभी गुण और सभी शक्तियाँ हैं। यदि शांति की परसेंटेज में फर्क है तो अर्थात हमारे अंदर अन्य गुण और शक्तियों में भी कमी होगी। इसलिए हमेशा हम यह चेकिंग रखें कि मैं कुछ भी बोलते हुए, करते हुए या सुनते हुए बिल्कुल शांत अर्थात अचल रहता हूँ, या कोई भी बात व परिस्थिति मुझे हलचल में तो नहीं लाती। और यदि हम हिलते हैं तो फिर से अपनी शांत स्थिति में स्थित हो परमात्मा बाप के संग जाकर बैठ जाएं। परंतु हमेशा स्वयं पर अटेंशन रखें कि यह परमात्मा शक्ति, शांति की शक्ति मुझे परमात्मा गिफ्ट के रूप में मिली है, जो कि मेरी विजय का आधार है, तो इसे मुझे स्मृति में रख यूज़ करना है। जितना हम इसे यूज़ करेंगे उतनी ही यह शक्ति बढ़ती जाएगी। और जिसके पास साइलेंस की शक्ति है तो उसकी साइंस पर विजय है ही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।